अच्छा भाई, तो अब हमारा टॉपिक है मार्कोव एनालिसिस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है मार्कोव एनालिसिस। ये एक्चुअली पूरा टॉपिक जो है ना हमारे पास, ये पूरा हमारा रिलाय करता है प्रोबेबिलिटी पे, कि क्योंकि ये पूरा टॉपिक जो है हमारा प्रोबेबिलिटी पे रिलाय करता है। अच्छा, इसका एक और नाम होता है स्टोकेस्टिक मॉडल, या प्रोसेस कहते हैं। स्टोकेस्टिक मॉडल का एक और नाम होता है रैंडम मॉडल। भाई, बात कहने की ये है कि आप इस पूरे एनालिसिस में आप अनप्रिडिक्टेबल होते हो। आपको नहीं पता होता कि आप क्या करने वाले हो, या आप किस चीज़ में आगे जाने वाले हो, या आपकी चॉइस क्या होगी आगे, आपको नहीं पता होता। तो इसलिए हम इसको भी रैंडम मॉडल इसलिए भी कहते हैं कि ये इसके जो आउटकम होते हैं ना, वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, आपको नहीं पता। अब इसकी मिसाल अगर हम लें, तो हम जब यूनिवर्सिटी में घुसते हैं, मतलब सॉरी एडमिशन लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते वक्त हमें नहीं पता होता कि हम किस CGPA से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करेंगे। तो उसका हमें आउटकम नहीं पता, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम है। वो हमारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, हमारी जो पुरानी जो मतलब जो हमारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, या फिर कह सकते हैं कि हमारी मेहनत है, जो हम किसी को दिखा नहीं सकते, बट स्टिल उस पे वो डिपेंड करता है। तो हमें अपना फ्यूचर नहीं पता होता, इसलिए भी इसको रैंडम कहते हैं और स्टोकेस्टिक कहते हैं। अब जब आपको कोई चीज़ पता नहीं होती फ्यूचर के बारे में, तो आप उसकी क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालते हो, कि क्या पता ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो आपको नहीं पता होता, तो इसके हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालने जाते हो, तो आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है कि आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या हो रहा है, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या हो रहा है, बट आपने एक प्रिडिक्शन बना ली है कि या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इस पूरे हम सिस्टम में, इस पूरे मार्कोव एनालिसिस में हम यही करने वाले हैं। ठीक है, अब जो हमारा इसमें पूरा जो बिहेवियर होगा, जो मतलब हमारा पढ़ने का अंदाज़ होगा, वो हमारा अंदाज़ ये होगा कि आज मतलब हम फ्यूचर में कहाँ होंगे। अगर इसकी हम मिसाल इस तरह ले रहे हैं, तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उसकी मिसाल कुछ इस तरह होगी कि अगर हम आज अपना KFC पर खाना खा रहे हैं, तो कल क्या प्रिडिक्शन है कि अगले 3 महीने बाद, अगले 4 महीने बाद, या अगले 5 महीने बाद हम लोग मैकडोनल्ड पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या पता मैकडोनल्ड पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमें नहीं पता, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है। तो हम लोग आगे यही देखने वाले हैं इस मार्कोव एनालिसिस में, कि आगे हमारी क्या एक्टिविटी होगी। ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जांपल आए, क्या पता ये एग्जांपल आ जाए कि अभी आप बैचलर्स यहाँ कर रहे हो, तो अगले 4 साल बाद आप मास्टर्स कहाँ से करोगे, ये भी आ सकता है। या क्या पता ये भी आ सकता है कि अभी आप इस घर में रह रहे हो, आपको 2-3 महीने बाद क्या प्रोडिक्शन है कि आप अगला घर ले लोगे। तो कोई भी सिचुएशन आ सकती है, लेकिन बात क्या होगी कि आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के थ्रू आपने फ्यूचर प्रिडिक्ट करना होगा। अब क्या है कि भाई, अब इसमें फ्यूचर जो फ्यूचर होता है हमारा, वो फ्यूचर में उस फ्यूचर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं एक्चुअली, लेकिन ये वाली पेपर में नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कैंसिल करी हुई है। ये 3 प्रॉपर्टी हैं, अब हमें जो सॉल्व करना होगा ना सवाल, वो हमें इन 3 प्रॉपर्टी की बेसिस पे करना होगा। ठीक है, हमें इन 3 प्रॉपर्टी की बेसिस पे करना होगा। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, इस तरह का मैट्रिक्स होता है। सही है, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का मैट्रिक्स होगा, जिस तरह अभी हम पढ़ते हुए वहाँ पर अपना ऑडमेंट में इस तरह का मैट्रिक्स गिवन थे, यहाँ पर था प्लेयर 1 और प्लेयर 2। ठीक है, तो इस तरह का मैट्रिक्स हमें गिवन होगा। देखो ये एक मैट्रिक्स ये रहा। ठीक है, तो खैर हमें इस मैट्रिक्स में हमें ये प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करनी होंगी, हमें ये प्रॉपर्टीज़ अचीव करनी होंगी, तो हमें फ्यूचर के बारे में पता चलेगा कि हम सही जगह पर जा रहे हैं। अच्छा, एंड प्रॉपर्टी में आपको ऐसा करना होता है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो कि बार बार चेंज हो रही है आपकी प्रेडिक्शन, क्योंकि आपको फ्यूचर का नहीं पता, प्रोबेबिलिटी हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, आपको इस पॉइंट पर रीच करना है कि प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए। आपने इस पॉइंट से शुरू करना है और इस पॉइंट पर रीच करना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी अगले 10-15 महीनों तक के लिए सेम हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, सॉरी स्टेट प्रोबेबिलिटी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप क्या चांसेस हैं कि आप एक पॉइंट से शिफ्ट करके दूसरे पॉइंट पर आ रहे हो। कहने का मकसद कह लो कि KFC से शिफ्ट करके आप क्या चांसेस हैं कि आप मैकडोनल्ड आ रहे हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, के प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विचिंग टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है। तो उसकी प्रॉपर्टीज जो हमें फिल आउट करनी होंगी, जो हमें पूरी करनी होंगी, वो हमारी ये है कि रॉ वाइज जब भी हम सम करेंगे, क्योंकि अच्छा एक और चीज़ पहले बता दूँ ये सड़ने से पहले, सॉरी, यहाँ पर पूरा जो खेल होगा वो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास पॉइंट्स में होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा आपको पता है 1 मैक्सिमम होती है, 1 प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, 0.9 होता है, 0.8 होता है, 0.7, 0.6। तो इसी तरीके से हमारे पास जो जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो हम लोग पढ़ रहे होंगे इसमें, वो हमारी प्रोबेबिलिटी इसी तरीके से आ रही होगी। तो खैर
प्रॉपर्टी पहली वन हमें जो सेटिस्फाई करनी होगी वो ये सेटिस्फाई करनी होगी कि रॉ वाइज अगर सम करेंगे तो आंसर वन आएगा। मतलब कहने का मकसद यह कि कितने भी अगर आप आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स हो, 3x3 का मैट्रिक्स हो, 4x4 का मैट्रिक्स हो, कितना ही बड़ा मैट्रिक्स हो, आप जब भी रॉ वाइज सम करोगे ना, हमेशा मैट्रिक्स ऐसे होते हैं ना, आप रॉ वाइज सम करोगे तो आपके पास वन आंसर आएगा हमेशा। अगर नहीं आ रहा आप गलत कर रहे हो, ये बात याद रखो। जितने कैटेगरी होगी सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। अब क्योंकि मैट्रिक्स में एक ये कैटेगरी है, एक ये कैटेगरी है, एक ये कैटेगरी है, एक ये कैटेगरी है, तो चारों की प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। अगर ये टू बाई जैसे अभी जैसे ये 2x2 का है, अगर 3x3 का होता था तो 9 की प्रोबेबिलिटी निकलती, क्योंकि तीन रो है और ये कॉलम है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकलती। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट जो हमें जो सेटिस्फाई करना होगा वो ये होगा कि प्रोबेबिलिटी एक टाइम के बाद आकर कैटेगरी की, हर कैटेगरी की सेम हो जाएगी। एक टाइम के बाद आकर हर कैटेगरी की सेम हो जाएगी। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये प्रोबेबिलिटी भी सेम, ये प्रोबेबिलिटी भी सेम, ये 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 भी सेम। मतलब कहने का ये कि पूरे मैट्रिक्स जो होगा, जैसे पूरा मैट्रिक्स है ये, मैं इसका मिसाल दे दूँ, ये पूरा मैट्रिक्स है तो सब जगह 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। तो देखो इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, सेम हो गई। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर आपकी सारी प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएंगी, और उसको हम बोलते हैं स्टेट, प्रोबेबिलिटी स्टेट। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट हमें सेटिस्फाई करने, ये तीन पॉइंट हमें सेटिस्फाई करने। अब ये जो है फिर एंड में सब जाकर इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, तो ये पॉइंट हमारे क्या कहते हैं कोर्स में नहीं है, तो उसको हमें नहीं देखने। अच्छा, उसके बाद ये आता है हमारे पास एक्चुअली फॉर्मेट के, हमें करना किस तरह है, हमें ये सेटिस्फाई कैसे करना है, ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कैसे करनी है। ठीक है, बताता हूँ मैं।